कल्पना करो कि नारी की ओर से प्रदीप मेहता का जय गुरुदास। दोस्तों, हर मनुष्य जीवन में सुख प्राप्त करने के लिए, धन की स्थिति को बढ़ाने के लिए और जीवन निर्वाह के लिए यंत्र की भांति कार्य करता रहता है, किंतु ग्रहों के दुष्प्रभाव से उस व्यक्ति के जीवन में किसी न किसी महत्वपूर्ण वस्तु का अभाव बना ही रहता है। जीवन बहुत संघर्षमय बन जाता है। दूसरे ग्रह उनके भाग्य प्रवाह को अवरुद्ध कर देते हैं, लेकिन दिवाली के बाद साप और अभिशाप से मुक्त होने जा रहे हैं, क्योंकि नवंबर दिसंबर से पहले ही 59 साल के बाद त्रिग्रही राजयोग का निर्माण हो रहा है। नीच भंग राजयोग अखंड साम्राज्य राजयोग बन रहा है, जिसके ही कारण कन्या राशि वालों का किस्मत का दरवाजा खुलने वाला है, क्योंकि व्यापार के कारक स्वयं बुध ग्रह नवंबर दिसंबर में अपने परम उच्च राशि कन्या में स्थित रहेंगे। उच्च पद विवाह कार्य के कारक गुरु भी 2022 के अंत तक अपनी स्वराशि और आपके दैनिक व्यवसाय के भाव में विराजमान होगी। तो न्याय के कारक भी अपने खुद के घर में जैसे भाव में स्थित रहने वाले है, जिसके ही कारण परिवर्तन की सुनामी आपके जीवन को नई ऊंचाइयों तक पहुँचाने वाली है। दोस्तों, वैसे तो मैंने कई बड़ी भविष्यवाणी की है, कोरोना को लेकर, वायु दुर्घटना को लेकर, महाराष्ट्र की राजनीति को लेकर, और बहुत सारी सच भी हुई है। हाल ही में 17 सितंबर सूर्य परिवर्तन की वीडियो में मैंने कहा था, सूर्य संक्रांति के कारण देश में राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक बदलाव होंगे। सरकार बड़े और फायदेमंद फैसले ले सकती है। देश दुनिया में तनाव और विवाद बढ़ेंगे तो आप देख भी सकते हैं। राजस्थान में गहलोत और सचिन पायलट की वजह से कांग्रेस में घमासान मचा है। देश में बड़ा निर्णय भी हुआ है। तो रशिया की आक्रामकता नए विवाद को जन्म दे रही है और मेरी यह भविष्यवाणी 100% सच साबित होती जा रही है। आप चाहे तो वह वीडियो आई बटन पर क्लिक करके देख भी सकते हैं। तो आइए जानते हैं नवंबर दिसंबर में कैसा रहेगा कन्या राशि का भविष्य। कन्या राशि फल के अनुसार नवरात्र के ठीक बाद कामयाबी, आर्थिक समृद्धि एवं विभिन्न किस्म के लाभ मिलने शुरू हो जाएंगे। कार्य क्षेत्र पर आपकी योजनाएं सफल रहेगी, जिससे आपको ढेर सारा धन प्राप्त होगा। नौकरी पेशा जातक बेहतर संवाद के माध्यम से मुश्किल से मुश्किल लाभ प्राप्त करेंगे, तो इस वक्त आप अपने संसाधनों का बेहतर इस्तेमाल करते हुए ढेर सारा लाभ अपनी झोली में प्राप्त करेंगे। जो जातक व्यापार में है, उनके लिए साल का अंत खुशियों से भर देगा। आप अपने प्रतिद्वंदियों पर हावी रहेंगे, उनकी चमक फीकी कर देंगे, तो सामाजिक, राजनीतिक एवं उच्च पद पर स्थित लोगों के लिए भी प्रतिष्ठा, शक्ति और धन के मुद्दे सर्वोच्च प्राथमिकता ग्रहण करेंगे। निश्चित तौर पर 15 अक्टूबर के बाद उन्नति व बड़ी हुई प्रतिष्ठा के रूप में आपको लाभ सम्मान अवश्य प्राप्त होगा। पारिवारिक संघर्ष अब खत्म होने के कगार पर पहुंच गया है। कार्य क्षेत्र में चल रही चुनौतियां पूर्ण होगी। इसके साथ साथ कोर्ट कचहरी की उलझनों से भी मुक्ति मिल सकती है। त्रिग्रही राजयोग के चलते विद्यार्थियों को प्रतियोगी परीक्षा में सफलता प्राप्त होगी। विदेश की यात्रा पर जाने का अवसर प्राप्त होगा। तो मेडिकल साइंस, आईटी एवं अभिनय कला से जुड़े छात्र जीवन की नई इनिंग शुरू करने के लिए तैयार हो जाइए। 1 नवंबर से 26 दिसंबर तक लंबित पड़े मामलों व मुद्दों का भावी प्रगति के साथ निपटारा होगा। सौहार्दपूर्ण व सुखद वातावरण में आपका विकास होगा। तो प्राइवेट पदों पर एवं बड़ी बड़ी कंपनियों में स्थित कार्य कर रहे लोगों को भी मल्टीनेशनल एवं इंटरनेशनल कंपनियों में कार्य का बड़ा ऑफर मिलेगा। यहाँ तक 2022 के साल के अंत तक कोई बड़ी धनराशि आपको प्राप्त हो सकती है। व्यापार में अनुकूल सौदे बनेंगे। कॉन्ट्रैक्ट प्राप्त करने से जुड़े हुए मुद्दे आपके पक्ष में रहेंगे। कानून से संबंधित मामले, वसीयत व पैतृक संपत्ति के मामले, संपत्ति का हस्तांतरण, उत्तराधिकारी स्वरूप अधिकार या लीज संबंधित समस्याओं का भी सुदृढ़ तरीके से हल निकलेगा। अखंड साम्राज्य राजयोग के कारण नवंबर में अनेक धरातल पर आप शानदार प्रदर्शन करेंगे। मनोवांछित इच्छाओं की पूर्ति होगी। तो आपके लिए आर्थिक दृष्टि से भी यह समय उन्नति कारक रहेगा। अगर आप बिजनेस के क्षेत्र में है तो किसी नए व्यवसाय में अपनी किस्मत आजमाने का मौका मिलेगा। खासतौर पर जिनके पास खुद का व्यापार है, खुद की फैक्ट्री है, फिर भी कार्य मंद गति से चला रहे हैं, तो वह अब अप्रत्याशित रूप से आगे बढ़ेंगे। हालांकि 27 नवंबर के बाद फंड्स, कर्ज, किराएदार या व्यवसायिक सौदे आते हैं, तो आप ज्यादा सामाजिकता निभाए बिना हल करने के प्रति सचेत रहे, क्योंकि आप ऐसी चीज में भी उलझ सकते हैं जिससे बाहर निकलना आपके बस में नहीं होगा। कन्या राशि के जो जातक फोटोग्राफी, नाटक, बीमा एजेंट, वस्त्र, लकड़ी या राजनीति से जुड़े हुए हैं, उनके जीवन में लगातार धन की आवक शुरू हो जाएगी। तो डेयरी प्रोडक्ट, कृषि क्षेत्र, सिसा, विदेशी कार्य से जुड़े भी हर जातक अनुकूल लाभ के लिए तैयार हो जाएगी।
लिए। 13 नवंबर के बाद घर से दूर कहीं घर बसाने या फिर दूसरा मकान व जायदाद लेने के पूर्ण योग बन रहे हैं, तो आपकी जायदाद भी उचित दाम पर बिकने की संभावना बन रही है। यदि रियल एस्टेट से जुड़े हुए हैं, डेकोरेशन, फैशन, आयुर्वेदिक एवं स्पोर्ट्स से जुड़े हुए हैं, वह सफलता की बुलंदियों को छू लेंगे। उच्च अधिकारी एवं बाहरी लोगों का समर्थन आपको पूर्ण रूप से प्राप्त होगा, तो नवंबर और दिसंबर में प्रेम से वंचित जातकों की इच्छित साथी की प्राप्ति होने से रोमांस और मनोरंजन से उनका जीवन खुशहाल बनेगा। पैसे से संबंधित चिंताओं से राहत प्राप्त होगी, तो प्रिय के साथ यात्रा एवं सम्मान की भी पूर्ण रूप से संभावना बन रही है। प्रेम विवाह एवं रिश्ते के अलावा नए रिश्ते कायम होने के प्रबल योग बन चुके हैं। नवंबर, दिसंबर और अक्टूबर में कार्य क्षेत्र में आपका दबदबा कायम रहेगा। सरकारी नौकरी से जुड़े लोगों को पद प्रमोशन या सैलरी में वृद्धि प्राप्त होगी, तो भूमि, भवन, वाहन आदि की भी खरीदी के योग बन रहे हैं। कन्या राशि वालों, हर व्यक्ति की कुंडली में शुभ योग या दुर्योग विद्यमान रहते हैं। कुंडली में कई ऐसे शुभ योग होते हैं जो जातक को सफलता की बुलंदियों तक पहुंचा देते हैं, तो कई दुर्योग भी है जो व्यक्ति की भरपूर मेहनत को सफल नहीं होने देते, इसलिए कुंडली का विश्लेषण अवश्य करवाएं। जय गुरुदत्त। जय